कोरोना की आड़ में जब तक मोदी सरकार स्कूल कॉलेज से लेकर बैंक, सरकारी विभाग, रेलवे, बस और हवाई अड्डों को निजी हाथों में बेच नहीं देती, तब तक इसी तरह से लॉकडाउन घोषित करती रहेगी। सरकार का रवैया कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। लगता है निजीकरण के लिए ही सरकार ने लंबे समय तक लॉकडाउन घोषित कर रखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठेके पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पिछले साल कैबिनेट ने इसी तरह अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50 सालों के लिए अडानी समूह को देने के नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। द मिंट के अनुसार अडानी समूह ने इन तीन हवाई अड्डों का ठेका पिछले साल लगाई गई बोली में हासिल कर लिया था। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को क्रमशः GMR और GVK कंपनियों को सौंपने के बाद यह हवाई अड्डों के निजीकरण का दूसरा बड़ा चरण था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन हवाई अड्डों को निजी संचालकों को सौंपने से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को 1,070 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि हासिल होगी। सूत्रों ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझौतों की लीज शर्तों के अनुसार अडानी समूह मौजूदा हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के साथ साथ हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त एयर साइट, टर्मिनल, सिटी साइट और लैंड साइट इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्त पोषण, निर्माण और विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। बता दें कि सरकार ने नवंबर 2018 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा परिचालित किए जाने वाले 6 हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की अनुमति दी थी। इसके लिए मंगाई गई बोलियां बीते 25 फरवरी 2019 को खोली गई थी। सभी 6 हवाई अड्डों अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर और गुवाहाटी के परिचालन के लिए अडानी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने विजेता का चुनाव मासिक प्रति यात्री शुल्क के आधार पर किया था। इससे पहले भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने राजस्व साझेदारी के मॉडल के आधार पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों का निजीकरण किया था।